KNO3, तो ये है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जो कि सामने आप देख पा रहे हैं। और एक होता है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम और पोटेशियम दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो इनको आप ध्यान रखें। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम नाइट्रेट, ये हमारा है पोटेशियम नाइट्रेट और ये हमारा है कैल्शियम नाइट्रेट। इसका जो सूत्र है वो है CaNO3। पोटेशियम नाइट्रेट जो कि हमारे अगरबत्तियों में बर्निंग के लिए यूज होता है और काफी जगह भी यूज किया जाता है इसे, उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। और कैल्शियम नाइट्रेट जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में और काफी सारी चीजों में जो है यूज किया जाता है। टॉपिक में बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अगरबत्ती से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो तो ये है हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और इसका जो है काफी हद तक हमारी अगरबत्तियों के साथ साथ और काफी सारी चीजों में यूज किया जाता है। तो यूजेस क्या क्या है, हमारी अगरबत्तियों में किस तरीके से काम करती है और हमें कैसे इसे यूज करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि काफी सारे लोगों को इस चीजों पे जो है कंफ्यूजन बनी रहती है कि पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है। तो ये तीनों चीजें जो है अलग अलग है, और जो है जो हमारी अगरबत्तियों के लिए जो यूज करने वाली पाउडर है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है पोटेशियम नाइट्रेट को समझते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट एक खास तरीके की ज्वलनशील पाउडर है। ज्वलनशील मतलब जो जलने में ज्यादातर सहायक करती है, तो इसे हम पोटेशियम नाइट्रेट जो है कहते हैं। इसके साथ साथ इसे जो बारूद बनाने वाली या फिर जो फटाके बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में इसे यूज करती हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका खाद के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद जो है और काफी सारी चीजों में जो है इसका यूज किया जाता है, और जो है हम अपनी अगरबत्तियों के लिए इसे बर्निंग प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं, ताकि ये हमारी अगरबत्तियां जो होगी जो जलने में सहायक नहीं होती है वो अच्छे से जल पाए, अच्छे से वो बर्निंग कर पाए। इसके लिए इसे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का जो है यूज किया जाता है। सो इसके जो पहचान जो होती है वो मैं आपको बताता हूं। जो खाने के लिए जो नमक यूज की जाती है ये उसी तरीके से या फिर उसी के फॉर्म में दिखने वाला जो है केमिकल है, और इसे हम केमिकल ही मानेंगे क्योंकि ये केमिकल का बेस है KNO3, जैसा कि आप जानते हैं। सो इसे जो है नमक के फॉर्म में होती है, और एक जो इसकी क्वालिटीज, वैसे तो इसमें काफी सारे क्वालिटीज हैं अलग अलग। सो आपको पहचानना है कि अच्छा क्वालिटी और सही क्वालिटी क्या है, उसके बारे में आगे जो है बात। तो इसकी कैटेगरी हम जो है समझते हैं। सो ये है हमारे पास एक केमिकल नेम जो कि है पोटेशियम नाइट्रेट। हिंदी में इसे कालमी सोरा भी कहते हैं। हिंदी नेम जो है इनका कालमी सोरा इसे कहा जाता है। तो ये है इसका हिंदी नेम जो कि है कालमी सोरा। हालांकि आपको नहीं दिख पा रहा होगा अच्छे से क्योंकि ये मार्क पेन है। सो आप अगर नाम नोट डाउन करना चाहें तो कर ले। कालमी सोरा जो है इनका साइंटिफिक नेम है, जो कि हिंदी नेम हम उसे कह सकते हैं। और जो इसका इंग्लिश नेम है, जो केमिकल नेम है, वो है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। जैसा कि सामने मैं जो है लिखा हुआ हूं, ये पोटेशियम हो गया और ये हमारा नाइट्रेट हो गया। और इसका जो है सूत्र है, ये है इनका सूत्र KNO3। अब जो हम बात करते हैं कि हम अपने अगरबत्तियों में इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो सबसे इसका पहला मेथड जो है, किसी भी तरीके की जो अगरबत्ती हम बनाते हैं जिसमें बर्निंग इशू की शिकायत काफी ज्यादा होती है, ब्लैक अगरबत्ती को छोड़ के, ब्लैक चारकोल वाली अगरबत्ती होती है उनको छोड़ के, और जो बाकी अन्य अगरबत्तियां बनती है जैसे हमारा लोहान बनता है, फ्लोरा अगरबत्ती बनती है, मसाला अगरबत्ती, धूप बनते हैं जिसमें काफी सारे धूप है, गीला धूप है, ड्राई धूप है, सूखा धूप है, कलर धूप है, सवरानी वगैरह है, तो इन सारी चीजों में जो है पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। बर्निंग प्रॉब्लम को पूरे अच्छे तरीके से जो है ये खत्म कर देती है, और अगरबत्ती को जलाने में ये काफी हद तक मदद करती है। और जो इसे हमें किस तरीके से यूज करना है उसके बारे में जानते हैं। कई लोग जो है इसे पाउडर, मतलब जो हमारा प्रीमिक्स का जो बेस बनता है, जो पाउडर्स बनता है, उसी में डाल देते हैं। तो ये तरीका जो है गलत होगा। इसके लिए आपको पानी लेना है, जैसा आप रेशियो डालते हैं उसी रेशियो में आपको 40 ग्राम 1 केजी के प्रीमिक्स के पाउडर में, 1 केजी का जो आपका फॉर्मुलेशन है उसके बेस में आप इसे 40 ग्राम ऐड कर सकते हैं। चाहे आप जितना बनाएं उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। और जो है इसे यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप पानी लीजिए, जो पानी आप प्रीमिक्स पाउडर में मिलाने वाले हैं उसी पानी में आप इसे 40 ग्राम जो है आप डालिए। पानी की क्वांटिटी आपका कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और में आपको 40 ग्राम इसे ऐड करनी है।
सो जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। सो ये हम छोटा सा अभी एक्सपेरिमेंट जो है करते हैं डाल के, तो ये इतना हम पाउडर ले लेते हैं और इसे जो है पानी में मिक्स कर देते हैं। तो देखिएगा कि ये जो है घुलने में काफी सहायक होता है, बहुत जल्दी ये घुल जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी मैंने फिलहाल इसमें 10 ग्राम एवरेज इसमें जो है पोटेशियम नाइट्रेट डाला हुआ था और ये पूरी तरीके से घुल चुकी है। तो इस तरीके से जो है आपको इस पानी को फिर प्रीमिक्स पाउडर में डाल लेना है, फिर ये आपकी जो बर्निंग प्रॉब्लम होगी उसे ये पूरी तरीके से सॉल्व कर देगी, मतलब बर्निंग प्रॉब्लम तो आएगी ही नहीं अगर आपका पोटेशियम नाइट्रेट अच्छी क्वालिटी में होगी तो। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि इसकी कीमत के बारे में और ये कहाँ मिल सकता है। सो पोटेशियम नाइट्रेट जो है आपको केमिकल्स की शॉप्स में मिल जाएगी, आपके आसपास के लोकल जगहों पे ये शॉप ज़्यादातर होती हैं केमिकल की शॉप, तो वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। और नहीं तो ये आपको मिलेगी एग्रीकल्चर की शॉप में, एग्रीकल्चर जहाँ कृषि केंद्र जिसको बोलते हैं, जहाँ खाद और कीटनाशक जो दवाइयाँ मिलती हैं, सो वहाँ से भी ये आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो है बड़ी मात्रा में खाद के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसे आप एग्रीकल्चर शॉप से भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप आपको छोटी क्वांटिटीज़ में चाहिए तो ऑनलाइन साइट्स पे आपको ये मिल जाएगी, जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह पे ऑनलाइन साइट्स में भी ये पोटेशियम नाइट्रेट जो है अवेलेबल है। और जो है बात करें इसकी कीमत के बारे में, तो इसका जो प्राइस होगा वो आपको लगभग 150 से लेके 200 के बीच में ये आपको मिल सकता है। 150 रुपए से लेके 200 रुपए तक की इसकी रेट जो है होती है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको पोटेशियम नाइट्रेट कालवी सोरा के बारे में सारी जानकारियाँ जो है मिल चुकी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।